गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं फाइव चैप्टर से फाइव इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड दैट इज दीज क्वेश्चंस आर ऑल फ्रॉम द क्लास 12 सिलेबस। तो पहला क्वेश्चन एटम्स और न्यूक्लियाई चैप्टर से, इसको देखते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग वेलोसिटी और रेडियस का डेरिवेशन भी सीखेंगे विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है। एन इमेजिनरी एटम वॉज क्रिएटेड एंड द इलेक्ट्रॉन वॉज रिप्लेस बाई पार्टिकल हैविंग मास 200 टाइम्स द मास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्लीकेबल फॉर द न्यू एटम। तो यहाँ देखिए एक एटम है जो कि इमेजिनरी है, ठीक है, इसी प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को किसकी जगह रख दिया गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके एक नया पार्टिकल लाया गया है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से 200 टाइम्स है। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी पे क्या करेगा फर्क पड़ेगा, और ये मोर देन वन करेक्ट टाइप चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले हमें रेडियस का या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेलोसिटी के बारे में बोल रहे हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे कंपटीशंस के लिए हमें ये पता ही होना चाहिए कि किस किस वेरिएबल पे रेडियस डिपेंड करता है और किस किस वेरिएबल पे वेलोसिटी डिपेंड करता है। लेकिन अगर नहीं पता है तो अभी मैं डेराइव करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद कर लेना चाहिए। डेरिवेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो फॉर फिजिक्स पेपर। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही ले लेते हैं, तो क्या होगा mv स्क्वायर बाई r, ये nth ऑर्बिट है, ठीक है, और इसकी फोर्स क्या हो जाएगी कूलॉम्स लॉ के साथ 1/4 pi epsilon naught को k लिख लेते हैं, और z e दैट इज न्यूक्लियस का चार्ज इंटू e अपॉन Rm का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से Rm कैंसिल हो गया, एक Rm गया आपका, और यहां से हम V स्क्वायर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे V स्क्वायर, तो हो जाएगा K ZD स्क्वायर अपॉन ME इंटू Rm, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन V के लिए, ठीक V स्क्वायर आ गया। एक सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज बोर का क्वांटाइजेशन, जो यहाँ पे बोल रहे हैं सेकेंड पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर इज कि ME इंटू वी इंटू आर एन वी एन, क्या है मतलब nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है, nth ऑर्बिट का जो रेडियस है, दैट मैं उसको सबस्क्रिप्ट n से डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप मान लीजिए n है, बार बार लिखना नहीं है, अब क्या करेंगे देखिए, वेलोसिटी का स्क्वायर यहां से भी आया है तो वेलोसिटी का स्क्वायर यहां से भी निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 pi स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एम ई स्क्वायर एंड आर एन स्क्वायर, ठीक है, कर लेते हैं। अब दोनों ही देखिए वी स्क्वायर, दोनों को हम क्या कर सकते हैं इक्वल रख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं इनको के जेड स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू आर एन, यहां से एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 pi स्क्वायर एम ई स्क्वायर आर एन स्क्वायर, तो आर एन को आर एन से कट कर दिया हमने, एम ई को एम ई से कट कर दिया हमने, अब हमें क्या निकालना है आर एन। तो देखिए आर एन का फॉर्मूला क्या आ गया रेडियस का, एन स्क्वायर एच स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर और यहां पर एम ई आया है, ठीक, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब रेडियस हमारे पास आ गया, आप देखिए अगर मास को आप 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, देखिए और कुछ नहीं बदला है, चार्ज वगैरह नहीं बदला है, क्या चेंज हुआ केवल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर आर और एम क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब आर एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी मास को आप बढ़ाएंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। अब देखते हैं बी, इट डजंट फॉलो बोर क्वांटाइजेशन रूल, क्यों नहीं फॉलो करेगा, इट विल ऑब्वियसली फॉलो द बोर क्वांटाइजेशन रूल, ऐसा नहीं है कहीं बोर क्वांटाइजेशन रूल में नहीं इतना ही मास होना चाहिए तभी बोर का क्वांटाइजेशन जो है रूल फॉलो हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इट डजंट फॉलो बोर क्वांटाइजेशन, ये रॉन्ग हो गया,
फिर बोल रहे थे बो थे एंड डी आर करेक्ट, वो भी चला गया। अगर मान लीजिए सिंगल करेक्ट चाइस क्वेश्चन होता तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाता। लेकिन लेट्स सी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट विल इंक्रीज और नॉट, जैसे कि सी ऑप्शन को भी चेक करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका आया देखिए आर का फॉर्मूला। अब अगर हम v के फॉर्मूले को देखें यहां से निकाल लेते, ठीक है, तो v कैन बी रिटन एज nh अपॉन 2 पाई me इनटू r। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि वो कहेंगे ओ v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू me है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल, बिकॉज रेडियस भी m पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अगर हम रेडियस को देखें तो इसमें देखिए आप सब कॉन्स्टेंट, तो इसको अगर मैं कोई k डैश बोलूं तो आर एन विल बी k डैश अपॉन एम ई हो जाएगा। तो मैं r की जगह यहां पर k डैश अपॉन एम ई अगर लिख दूं तो v विल बी टेन एच एन एच अपॉन टू पाई एम ई इन टू k डैश अपॉन एम ई। तो देखिए अब क्या हो गया, एम ई कैंसिल, तो v तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, 2 पाई और ये कांस्टेंट है, सब के सब कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी केवल देखिए n पे डिपेंड कर रही है, मतलब कि किस ऑर्बिट पे है, और एक z पे डिपेंड कर रही थी बस, बाकी v जो है बिल्कुल भी मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो इट्स इंपॉर्टेंट यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट कि अगर मास बढ़ाएंगे तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, और दूसरा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज एट ऑल। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन इज द वायर इज स्ट्रेस्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1%, व्हाट इज द करेस्पोंडिंग चेंज इन रेजिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन आपको जेई मेंस में पूछा जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है, इवन बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है। तो देखिए यहां पर लेंथ को 1% से इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि जो नई लेंथ है l डैश उसको बोले अगर, तो दिस इज 1.01 टाइम्स l। l अगर आपकी ओरिजिनल लेंथ है तो l डैश कितना हो जाएगा, 1% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब 1.01 टाइम्स l, दिस इज इंपॉर्टेंट। और दूसरा एक और फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने वाला है, दैट इज कि एरिया कि जो इसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसकी जो एरिया है वो भी चेंज होती है। तो हम देखिए कैसे काम करेंगे इसको, आप जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाना है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब एल भी चेंज होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इसका चेंज होता है, ठीक है, लेकिन इसको इफेक्ट को कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे आप सोचिए कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज भी कर देंगे तो वॉल्यूम नहीं चेंज होने वाली है वायर की, ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, इससे क्या होगा, दिस विल बिकम रो एल स्क्वायर, और ए इंटू एल क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ द बेस इंटू द लेंथ, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो अब आप देखिए कि r का जो फॉर्मूला आ गया दैट इज रो एल स्क्वायर बाई वी, अब रो भी नहीं चेंज हो रहा है, वी भी नहीं चेंज हो रहा है, तो r जो है प्रोपोर्शनल हो गया है एल स्क्वायर के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि r अपॉन r डैश इज इक्वल टू रो एंड वी कैंसिल हो गए बिकॉज कॉन्स्टेंट, तो एल स्क्वायर अपॉन एल डैश का स्क्वायर। तो r डैश पता करना है हमको कि r डैश कितने टाइम्स हुआ इसका, तो उसको इधर भेज देते हैं, तो दिस विल बी एल डैश स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इनटू आर, ठीक, तो आर डैश को देखिए आप, एल डैश इज 1.01 का होल स्क्वायर इनटू आर एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आर डैश अपॉन आर इज बेसिकली 1.01 का होल स्क्वायर, ठीक है। चेंज इन रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो आर डैश माइनस आर अपॉन R will be 1.01 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1, ठीक, तो ये कितना होता है 1.02 होता है, ठीक है, 1.01 का स्क्वायर करेंगे आप तो 1.02 होगा, माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज 0.02, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 2%। तो कितना चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी 2%, ठीक, करेस्पॉन्डिंग चेंज इन रेजिस्टेंस इज 2%, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन थ्री करते हैं। क्वेश्चन है एन इमेज ऑफ द सन इज फॉर्म्ड बाय लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर ऑन द मेटल सरफेस ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल करंट आई। द लेंस फॉर्मिंग द इमेज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लेंस ऑफ सेम डायमीटर बट ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन दिस केस and the options are 2i, 4i, i by 4 and d is none of these। तो ये एक थोड़ा सा अगर पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए अपने आप एंड फिर देखिए कि मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है कि इसमें थोड़ा सा इररिलेवेंट डेटा दिया गया है। अब उसको समझते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक बात दी है कि इमेज ऑफ द सन इज फॉर्म बाय द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर ऑन द मेटल सरफेस ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो एक कोई लेंस है आपका, उसमें पैरेलल रेज ऐसे आ रही हैं इन्फिनिटी से सन, तो कहाँ पर जाके ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये सब जाके आपका ऐसे 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 और एक पॉइंट पे फोकल लेंथ पे सारी जाके आपकी मिलती है, ठीक है। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसका और जो फोकल फोकस के बीच की जो लेंथ है दैट इज फोकल लेंथ, वो गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक। और इस दौरान जब ये मेटल सरफेस यहाँ पर है उस पर गिरती है तो क्या होता है कि करंट आई प्रोड्यूस होती है। अब देखिए क्योंकि करंट आई प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इसमें पड़ रही होंगी, बिकॉज आपको पता है कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसमें दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट यानी जो एनर्जी ऑफ द फोटोन है ये है और ये थ्रेशोल्ड ना वर्क फंक्शन मेटल का और उसके बाद आती है काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि अगर ये इससे ज्यादा है तभी आपने देखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस केस में ऑलरेडी दे आर टेलिंग कि आई करंट प्रोड्यूस हो रही है। अब देखिए सिचुएशन बदल देते हैं लोग एंड दे से कि द लेंस फॉर्मिंग द इमेज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लेंस ऑफ सेम डायमीटर। तो जो नई लेंस है उसके डायमीटर जो है ना वो सेम है लेकिन उसका फोकल लेंथ अब 15 सेंटीमीटर हो गया है। इसका मतलब कि अब पहले मान लो रे यहां 30 सेंटीमीटर पे आ रही थी, अब ये रे यहां सारी इंसिडेंट हो रही है तो यहां पे मेटल रख दिया गया है। पहले 30 सेंटीमीटर था, अब कितने पे हो गया 15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे हैं कि बताओ नई करंट क्या होगी। अब ये बात तो क्लियर है कि इससे तो ज्यादा ही है, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो डिपेंड करेगी दैट विल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। अब मेरे को आप ये बात बताइए कि इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगी क्या। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊं आपको इसका, आपका सामने से अगर आप लेंस को देखें तो मान लीजिए ये है आपका लेंस और इसका डायमीटर ये है, ठीक। तो यहां पे जो वर्ड है दैट इज इंपॉर्टेंट इज द सेम डायमीटर। अब देखिए जो भी लाइट रेज आएंगी वो चाहे 30 सेंटीमीटर पे जाए सारी के सारे वहां पे मिलेंगी, जितनी भी लाइट रेज आएंगी अगर हम उसे 15 सेंटीमीटर भी कर दें तब भी वो मिलेंगी, पूरी की पूरी लाइट रेज वहां पर आएंगी। आप इस बात को मानते हैं, यानी कि फोकल लेंथ देने से करेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जिस बात पे फर्क पड़ने वाला है कि कितने फोटोन आ रहे हैं, तो फोटोन तो इसके एरिया पे डिपेंड करेंगे कि कितनी बड़ी एरिया है इस लेंस की। तो जितनी ज्यादा एरिया होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी तो उतनी ज्यादा करंट जो है प्रोड्यूस होने लगेगी, क्लियर है बात। तो एरिया किस पे लेंस का डिपेंड करेगा, उसके डायमीटर पे, लेकिन डायमीटर क्या बोला गया है सेम डायमीटर, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंटेंसिटी चेंज ही नहीं हो रही यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स आर सेम, तो इसका मतलब कि करंट विल नॉट चेंज, जितनी आई करंट पहले थी
उतनी ही आई करंट अभी भी होगी, यानी इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। और जानबूझ के ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, और बहुत सारे दिमाग लगा देंगे अच्छा शायद डायमीटर के स्क्वायर पे, वो क्या फोकल लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड करता हो तो 4i हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता होगा तो 1/4 हो जाएगा, हो सकता है ट्वाइस हुआ है इसलिए 2i दिया है। ठीक है, तो टेंशन में रहते बच्चे कुछ भी ऑप्शन लगाते हैं, इसलिए समझिए कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तब आपको जानबूझ के अगर नन ऑफ दीज है वहां तो डोंट इग्नोर इट। ठीक है, उसको इग्नोर मत करिए, फालतू का डेटा यहाँ पर दिया है। देखिए और क्या क्या दे सकते थे, इसमें कोई लिक्विड भर सकते थे, उसका म्यू भी अलग अलग कर सकते थे। ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, म्यू से इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो बेंड करता है बस। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, जिससे यू शुड अंडरस्टैंड नेवर अंडर एस्टिमेट नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरीके के ट्रिकी प्रॉब्लम्स में नन ऑफ दीज का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल इज केप्ट नियर चार्ज क्यू एज सोन। ये चार्ज क्यू यहां पर है एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, तो एक क्या बोल रहे हैं कि एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, ठीक, और इससे देखिए यहाँ पे दूरी पे एक चार्ज क्यू रखा गया है। ठीक, और उस क्यू चार्ज की दूरी सेंटर पॉइंट सी से आर है और एक पॉइंट पी है जिसका आर डैश है, और इन्होंने पूछा इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है वो इंड्यूस चार्जेस की वजह से बताइए। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इंड्यूस चार्जेस आएंगे कहाँ पे। देखिए जो आउटर सरफेस है यहाँ पे कुछ डेल क्यू चार्ज आएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो इस साइड में कुछ प्लस क्यू आ जाएगा, प्लस डेल क्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चार्ज जो है इस स्फेरिकल शेल पे इंड्यूस हो जाएगा। अब हम एक बात आपको बताते हैं, क्योंकि ये स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब हर पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल विल बी सेम। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है बी सी दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ वी पी। जितना पोटेंशियल सी पे होगा उतना ही पोटेंशियल पी पे होगा। अब इससे हमें फायदा क्या मिलेगा देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, सी पे पोटेंशियल निकालते हैं अलग अलग चार्जेस की वजह से, एक तो इस क्यू की वजह से, एक इस डेल्टा क्यू की वजह से, माइनस डेल्टा क्यू की वजह से, एक प्लस डेल्टा क्यू। लिखते हैं, चलिए देखते हैं। तो वी सी क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे के क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, सी पे पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज की वजह से प्लस के माइनस डेल क्यू अपॉन कितना डिस्टेंस है यहां से, अब देखिए इस शेल की जो भी रेडियस है कैपिटल आर, प्लस के प्लस डेल क्यू अपॉन आर, ये भी तो आर दूरी पे ही है यहां से। ठीक है, अब देखिए कट गया, माइनस डेल क्यू प्लस डेल क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है वो एक दूसरे को उसने कैंसिल कर दिया, तो पोटेंशियल एट सी आया के क्यू बाई आर आ गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, के क्यू बाई आर ऑप्शन मांगेंगे, ठीक है, विदाउट थिंकिंग कि पूछा क्या गया था। ठीक है, डोंट डू दिस, कंसेंट्रेशन लगातार बनाए रखना है। अब वीसी आ गया है, अब हमने बोला वीसी और वीपी सेम है बिकॉज दिस इज अ मेटल कंडक्टिंग न्यूट्रल, ठीक, तो यहां पर वीपी यही हो जाएगा के क्यू बाई आर। अब आप बताइए यहां पे क्यू की वजह से नहीं पूछा गया है पोटेंशियल, इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल पूछा गया, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, दिस के क्यू बाई आर दो चीजों की वजह से आ रहा है, एक तो इस पोटेंशियल इज कमिंग बिकॉज ऑफ Q and other thing is कि potential is coming because of induced charge, induced Q. हमें क्या निकालना, V due to induced Q. तो V due to induced Q is equal to K Q by R minus V Q.
और वी क्यू क्या होगा, देखिए के क्यू बाई आर डैश, पी की दूरी कितनी है यहां से आर डैश, तो के क्यू बाई आर डैश, तो हमारा आंसर क्या हुआ बताइए, ऑप्शन सी, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर डैश। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम देख रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म चैप्टर से है। अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड क्यू मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी अलोंग द प्लस एक्स डायरेक्शन, इट एंटर्स अ रीजन कंटेनिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस जेड एक्सिस एक्सटेंडिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी रिक्वायर्ड सो दैट द पार्टिकल कैन जस्ट एंटर द रीजन एक्स ग्रेटर दैन बी इज। तो पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं, एंड प्रॉब्लम इतना टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, समझिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। ये पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी वाई एक्सेस है, ये हमारी एक्स एक्सेस है। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस, और जेड एक्सेस हमारी बाहर एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से v से मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, और यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, x a कॉमा जीरो कॉमा जीरो एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है b कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, और देखिए क्या बोल रहे हैं कि इस रीजन में जो b है वो टूवर्ड्स माइनस जेड एक्सिस है, यानी क्रॉस अंदर की तरफ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर क्रॉस है, इस पूरे फील्ड में क्या है क्रॉस है। ठीक, समझ गए आप। अब क्वेश्चन ये है कि हमें वो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिससे कि ये जस्ट एक्स इक्वल टू बी में पहुंच जाए, मतलब ऐसे हमारा यहां से आ रहा है देखिए ऐसे, तो आप जानते हैं कि फोर्स क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, वेलोसिटी के, तो फोर्स, अब फोर्स पहले निकाल लेते हैं, फोर्स आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। ठीक, तो राइट हैंड रूल लगा सकते हैं हम लोग, राइट हैंड पाम रूल, तो इधर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इधर है, तो देखिए हमारा थम्स किधर जा रहा है, थम ऊपर की तरफ, यानी फोर्स हमारा 90 डिग्री पे लगेगा वेलोसिटी से, तो इससे क्या होगा एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा, तो सर्कुलर मोशन करेगा तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, हम चाहते हैं ये ऐसे सर्कुलर मोशन करे, ठीक है, पूरे में मान लीजिए, और ये जस्ट इसको बी को हम जिस वेलोसिटी से टच करवा दें वही हमारा जो है क्या हो जाएगा, वही हमारी बी मिनिमम होगी जिस वेलोसिटी पे जस्ट टच कर जाए एक्स इक्वल टू बी का। अब आप बताइए मुझे कि क्या होगा यहाँ पे, अब फोर्स क्या लगेगी, देखिए वी और बी के डायरेक्शन के बीच में क्या है 90 डिग्री, यानी साइन 91 हो जाएगा, तो फोर्स लगेगी क्यू वी बी, ये वी मिनिमम मान लेते हैं हम लोग, और क्योंकि ये मूव कर रहा है तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा ये, तो दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाई आर। आर बताइए क्या होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, आर क्या होगा, आर देखिए यही होगा बी माइनस ए, ठीक, क्योंकि ऐसे आर यही तो रेडियस में ऐसे करेगा, ठीक, तो यही हमारा रेडियस हो जाएगा, दैट विल बी बी माइनस ए, तो आर की जगह हम लोग क्या रखेंगे बी माइनस ए, तो V से V कैंसिल, पहले R निकाल लेते हैं, R के फॉर्मूला आप जानते भी होंगे, R इज इक्वल टू MV बाय QB, नहीं भी जानते अगर तो यू कैन डेराइव इट। अब V निकालना था, अच्छा V क्या होता है QB इंटू R बाय M, तो Q इंटू B, R की जगह क्या देखा आपने B माइनस A अपॉन M, देखिए कोई ऑप्शन है ऐसा है q into b minus a into b divided by m, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपने देखी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी फाइव प्रॉब्लम्स देखेंगे, एंड टिल देन कीप स्टडी, थैंक यू वेरी मच।